अगर हम बात करें तो हमारे देश में दो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो एक सुभाष घई जी साहब का है और दूसरा अनुपम खेर साहब का। इसी कड़ी में अब तीसरा नाम जुड़ना जा रहा है, इकबाल दुरानी साहब कॉलेज ऑफ एक्टिंग खोल रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज में ऐसी क्या खास बात है जो और दूसरे कॉलेजों में नहीं मिलेंगी बच्चों को, उसके बारे में सर हम आपसे जानना चाहेंगे। 62 में सेप्टर नंबर जैसा इन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि बम्बई का सफ़र शुरू करने से पहले मैं दिल्ली आया था और दिल्ली से मैंने बम्बई का सफ़र किया। तो एक दिल्ली से मैंने यहाँ के थिएटरों में मैंने ड्रामे भी किए, तो मुझे हमेशा से दिल्ली से एक लगाव रहा। तो जब ये हुआ कि नहीं, मैं भी एक ऐसी कोशिश करता हूँ कि अपने पुराने एक्सपीरियंसेस बच्चों को दूँ और इनकी मैं रहनुमाई करूं वहाँ तक जाने में, पहुँचाने में, स्टार बनाने में, जैसा कि और लोगों के साथ किया। तो मैंने इसलिए दिल्ली का सिलेक्शन किया। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक क्राफ्ट वर्क है। इस क्राफ्ट वर्क को आप 3 साल सिखाते हैं, 4 साल सिखाएं, आप इतना सिखाएं कि वो एक्टिंग का टीचर बन जाए, लेकिन एक्टर बनाना बहुत मुश्किल काम है। और जो भी ड्रामे हैं या दूसरी विधाएं हैं, आजकल की फिल्म में एक्टिंग इतना सॉफ्ट हो गया है कि हम अपने एक्टरों से कहते हैं कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू एक्ट, जस्ट ट्राई टू बिहेव लाइक ए कैरेक्टर। अब एक्टिंग जो है बिहेवियर का नाम है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली इतना एडवांस हो चुका है कि आप जस्ट बिहेव करें। अगर आपने एक्टिंग कर ऐसी की कि एक्टिंग लग गया, अरे और क्या अच्छी एक्टिंग की, तो समझिए वो लाउड एक्टिंग हो गई। तो आजकल एक्टिंग बहुत बिहेवियर का नाम हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग सिखाना, एक्टर लोगों ने एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग सिखाई, लेकिन मैं अपने कॉलेज में चाहता हूँ कि डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग सिखाई है। और चूंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ और उससे पहले मैं राइटर हूँ, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कों को तैयार करूँ, वो चीज़ें सिखाऊँ जो उनको काम आने वाली है। दूसरी बात कि इस दिल्ली शहर में बहुत सारे एक्टिंग के नाम पे खुले हुए हैं, बम्बई में भी बहुत सारे हैं, लेकिन बम्बई में नाम वाले सिर्फ 2 हैं, जैसा कि सिद्दीकी भाई ने कहा, अनुपम खेर जी और सुभाष घई जी। यहाँ तो कोई नाम वाला है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया कि यहाँ पे एक मुझे मौका मिल सकता है लोगों की तरफ से। लेकिन जो बेनाम है वहाँ भी हैं, बॉम्बे में और जगह जगह छोटी छोटी, पटना इलाहाबाद में भी लोगों ने एक्टिंग का सबका खोल रखा है। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, वो आपको ख्वाब दिखाते हैं, तो वो अपना ख्वाब क्यों नहीं पूरा कर सके। वो अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई इम्पोर्टेंट आदमी हो, मर्द बेचने की दवा बेचना चाहे और लोग खरीदें, ये हाल इसका हुआ है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को प्रूफ ही नहीं किया और बताने लगे कि आओ मैं तुम्हारी ये करता हूँ, ख्वाब दिखाते हैं, फिर उन बच्चों के ख्वाब चूर हो जाते हैं। मैं जब यहाँ आया तो मुझे मालूम हो सारे, सर हम लोग 4 जगह तो सीख चुके हैं, 2 जगह तो ऐसा हो चुका है, 1 जगह तो ऐसा हो चुका है। इस तरह की घटनाएँ ये दिल्ली में भी हैं और बॉम्बे में भी हैं। तो और इस कदर ये बीमारी फैली हुई कि हम अगर जेन्युइन भी हैं तो लोगों को झूठ का घुमा होता है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक सच्चे भावना से यहाँ आया हुआ हूँ। अब मेरी 2 फिल्में भी शुरू होने जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि और फिल्में भी दिल्ली के आसपास में शूटिंग करने वाला हूँ, स्टूडेंट वर्सेस गैंगस्टर की, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे लगेंगे भी बीच के। तो अगर ये मैं कॉलेज इसलिए भी खोल रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ मेरे लोग निकल गए, इसको अपनी ही फिल्म में मैं काम दे सकता हूँ, अपने हिसाब से इसको मैं ग्रूम कर सकता हूँ। सिर्फ इनको सिखाना नहीं बल्कि इनकी रहनुमाई करूं, इनको रास्ता दिखाऊं दिल्ली तक। दिल्ली में मेरे, बम्बई में मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे 8-9 असिस्टेंट जो हैं डायरेक्टर बन चुके हैं, तो मेरे बच्चों को आसानी हो जाएगी। ये सारे ख्वाब लेकर के आया कि मैं लोगों के ख्वाबों को पूरा करने का एक जरिया बनूं। अब देखिए क्या होता है। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ दिल्ली और उसके आसपास करीब 65 एक्टिंग स्कूल चल रहे हैं जी, लेकिन उसमें होता क्या है, बच्चे आते हैं एक्टिंग सीख के, उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आप बम्बई धक्के खाओ जाके। आप ये बताइए, जैसा कि अभी आपने बताया उसको और थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा कि
जो बच्चे आपके यहाँ आपके कॉलेज में एक्टिंग का कोर्स सीखेंगे, जाहिर है कि आपके यहाँ जो मंझे हुए सिखाने वाले भी होंगे, गुरु जो उस्ताद हैं, तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे ख्याल से वही मिलेगा कि उनको यहाँ फिल्म में काम करने का भी मौका मिलेगा। एक बात आप जानिए कि इकबाल दुरानी से ये बॉम्बे में मिलना चाहेंगे तो 3-6 महीने लग जाते हैं इनको। पहले तो मैं इनको अवेलेबल हूँ, इनको जो गाइड मैं दूंगा, चाहे मेरी फिल्मों में काम मिले या इनको जो गाइड दूंगा, और इकबाल दुरानी का सर्टिफिकेट या इकबाल दुरानी का एक स्टाम्प हमारे फिल्म वालों के लिए कोई मान ही रखता है। आपके सर्टिफिकेट को ये दूसरे स्कूलों की तरह आप दिखाने में भी शर्मिंदा हो जाते हो और देखने वाला भी पश्चिमान हो जाता है, कहाँ से क्या चीज़ ला के दिखा रहे हो। कम से कम यहाँ पे वो सर्टिफिकेट मिलेगी इकबाल दुरानी की, जो आप दिखाओगे भी गर्व से दिखा सकते हो, मैं इकबाल दुरानी से जुड़ा हुआ, सामने वाला भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। और कहीं उसमें से कोई ऐसा आदमी मिल गया जो मेरे कॉन्टेक्ट में रहा हो तो आप मुझे कहेंगे, तो मैं फ़ोन भी करके उसको बोलूँगा कि इनको काम दे दो, मेरा बच्चा है बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने अपनी ऐसा नहीं रखा है कि मेरे कॉलेज में जो भी आए, कॉलेज ऑफ, मैंने स्कूल नाम नहीं दिया अपने एक्टिंग स्कूल का, इसका नाम है इकबाल दुरानी कॉलेज ऑफ एक्टिंग। तो इसमें मैंने एक शर्त रखी हुई है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है इस दिल्ली शहर में पैसे की कमी नहीं है, तो कोई भी पैसा दे दे मैं एडमिशन ले लूँ, हमारा कॉलेज ऐसा नहीं करेगा। पहले हम देखेंगे, आप अपना टेस्ट दीजिए कि आपके अंदर एक्टिंग क्या दम है कि नहीं, उसकी सलाहियत है कि नहीं, आपके अंदर हम कुछ उगा सकते हैं कि नहीं, तो हम आपका एडमिशन लेंगे, तो आपका पैसा भी कबूल करेंगे, आपको भी कबूल करेंगे। अगर आप बिल्कुल पत्थर के निकले तो उस पत्थर को ज़मीन के अंदर मैं डालूंगा भी तो कोई पत्थर तो उपजेगा नहीं, तो नाम मेरा ख़राब होगा। इसीलिए अदरवाइज जितने भी स्कूल लेके आप एडमिशन जाने आप जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉलेज ऐसा है जहाँ आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ऑडिशन देनी पड़ेगी एडमिशन के लिए, और आपके अंदर बात होगी तो हम जरूर आपको एडमिशन लेंगे और ग्रूम करेंगे आपको। जिस तरह आज कल बच्चे शॉर्टकट से एकदम चाहते हैं कि भाई मैं जाके स्टार बन जाऊं, उसके बारे में उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो आए, क्या सीखें, कहाँ से शुरुआत करें? शॉर्टकट में हम तो पैदा भी नहीं हो सकते कि हम माँ के पेट में 1 महीने में निकल जाएं, पॉसिबल है? अगर निकल गए तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो 7 महीने 9 महीने रहने पड़ते हैं। तो उसका एक पूरा एक पीरियड है जो गुजारना पड़ता है। पहली बात तो कि आप डिजर्विंग हैं कि नहीं, पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाओ कि आप वो बनने लायक हैं कि नहीं। पहले तो अपने को बनने लायक बनाओ कि आपको देख के लोग कह रहे क्या एक्टर है, क्या पर्सनैलिटी, फिर आप अपने को वहाँ पेश करो, फिर माँ बाप की दुआएं लो, फिर तकदीर ऊपर वाले से थोड़ी सी तकदीर ले लो। फूलर कांटे बनने के बाद कितने लड़के आते थे, आओ एक बार भाई मैं तो अजय देवगन से ज़्यादा हैंडसम हूँ, हमको भी ले लीजिए फिल्म में, हम भी फूलर कांटे। हमने एक अजय देवगन से हैंडसम हो या नहीं हो बात अलग, अजय देवगन जैसी तकदीर है उस जैसी तकदीर ले आओ, या फिर उस जैसा परफॉर्मेंस ले आओ, उस जैसा जो एक्शन किया वो एक्शन लाओ। तो पहले बेटे ख्वाब तो देखो, ख्वाब की तकमील के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसके जैसा बनो, और जब बन जाओगे तो मेरा 3 फार्मूला 3J का होना जरूरी है आपके अंदर। पहला जे है जज्बा, दूसरा जे है जिगर, तीसरा जे है जुनून। जज्बा ऐसा कि आप आग के दरिया से भी गुजर जाओ, जिगर ऐसा जो पहाड़ से भी टकरा जाओ, जुनून ऐसा जो नामुमकिन को मुमकिन बना दो। अगर ये 3J आपके पास है, कम ऑन, आपको कोई नहीं रोक पाएगा जी। अगर अब आपके अंदर है जोश जज्बा, तो आप आइए इकबाल दुर्रानी कॉलेज ऑफ एक्टिंग, सेक्टर 62 नोएडा में, जिनका सत्र शुरू होने जा रहा है और दिसंबर में पहली बैच यहाँ से शुरू होगी, तो आप जल्दी आइए ताकि आपको पहला मौका मिल सके। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आइए, सबसे पहले आपको यहाँ ऑडिशन देना पड़ेगा और एक बेहतरीन भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने टाइम दिया, कॉलेज के बारे में लोगों को बताया, और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी बच्चे इसमें आए वो अपना नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक।